गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विकास अग्रवाल। हम एक टेस्टिमोनी बना रहे हैं। हमारे साथ में है सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर जुबेर देशमुख, मैं वेस्टिज कंपनी को 4.5 महीने से कर रहा हूं और मैं इस कंपनी में ब्राउन डायरेक्टर हूं। और मैं अभी हमारे साथ ही एक अल्तमस सर है, इनका 4 महीने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्तमस खान। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले, जिसके अंदर मैं 3 महीने कोमा में था और डॉक्टर्स ने मुझे नो गारंटी की बोला था, लेकिन मैं बच गया हूँ। और उसके बाद मैंने फिर 3 साल मेरी मेडिसिन चालू रही अभी तक, लेकिन जुबेर सर ने मुझे वेस्टिज के बारे में बताया, फिर मैंने वेस्टिज के प्रोडक्ट्स लिए। उन्होंने मुझे वेस्टिज के जो सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स, वो सब दिखाए, वो सब मैंने प्रोडक्ट लिए, गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, कोलेस्ट्रम, एलर्जी नाइन और ये अम्ला, एलोवेरा कैप्सूल्स, ये प्रोडक्ट्स मैंने लिए है फ्रेंड्स। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं पहले चलते टाइम मुझे पहले सपोर्ट लगता था, लेकिन अब मुझे सपोर्ट नहीं लगता है। मैं अकेला कहीं भी आ जा सकता हूँ, उतर सकता हूँ, भाग सकता हूँ मैं अकेला। और प्लस फ्रेंड्स, मैं जब कोई काम होता था मुझे, मेरा हाथ यहाँ से ज़्यादा हिलता था फ्रेंड्स, लेकिन आज मैंने जब ये एलर्जी नाइन कैल्शियम की कैप्सूल्स और ये स्टार्ट किए प्रोडक्ट, जब से मेरा हाथ हिलना थोड़ा कम हुआ है फ्रेंड। कितना टाइम हुआ आपको लेके अभी ये प्रोडक्ट? मुझे लेकर अभी ये 8 दिन हुए हैं। ओके। और मुझे 8 दिन में प्रोग्रेस मिल गए, इसलिए मुझे ज्वाइन हो गए वेस्टिज फैमिली से। वेरी नाइस, गुड। तो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो 4-6 महीने, इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह पूरा ही सॉल्व होना चाहिए। इसके लिए आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इंशाल्लाह पूरे 6 महीने कंटिन्यू करिए, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। जी, मैं अभी क्या फील लग रहा है आपको, एक 8 दिन में क्या लग रहा है ऐसा? मुझे ऐसा हल्का हल्का लग रहा है, मतलब पहले मीन्स ऐसा खाली खड़ा रहता था तो मेरा हाथ ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन अब नहीं होते तकलीफ मुझे। सर, आपने जो प्रोडक्ट सर को बताया जी, तो सर का आपने जो है देखा होगा, हाँ, कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आपने जो प्रोडक्ट दिए उनको, तो क्या चीज़ें आपको लगी कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, या किस तरह से काम करेगी? सर, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा पहले, जो मैं आज तक कॉन्फिडेंट में हूँ, जो मैंने एक विलेज में एक लेडी को प्रोडक्ट दिए थे, जो वो भी गाड़ी से गिरी थी 3 साल पहले, और वो 3 साल तक कोमा में थी सर। उसके बेटे के साथ जाते जाते वो मोटरसाइकिल पे, सिर्फ सर पे लगा था उसको सर। तो मैंने जाके, मेरी वाइफ ने जाके उनको प्रोडक्ट सजेशन किए थे कि मैडम हमारे तरफ से दिए, उनकी हालत देख के कोमा में थे, उनके घर में कोई खाने बनाने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, उन्होंने भी उसको मरे जैसा समझ के छोड़ दिए थे सर। और वो स्टेरॉइड ले लेके सोती थी औरत, और झटके लेने की। तो मैं, मेरी मिसेज गए, जब उनको हमने रिकमेंड किया और हमारे तरफ से उनकी हालत देख के हमने हमारे तरफ से 2-2.5 हज़ार के प्रोडक्ट ऐसे दिए सर हमारे तरफ से। सर 21 दिन में उनका फ़ोन आ रहा है कि सर हमें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसमें, और वो बात करने लग गई है जो कोमा में थी। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि 14-15 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, और उसका वो भी गारंटी नहीं दिए थे डॉक्टर, लिख के ले रहे थे। तो वो आदमी सालाना इनकम उसकी 1 लाख रुपए, वो 14 लाख कैसे खर्चा कर सकता? तो डॉक्टरों ने उसको आखिरी में स्टेरॉइड दे देके बोले ये खाते रहो बोले फिर, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं था। दवाई 7-8 हज़ार की महीने की लग रही थी सर। और सर आज वो औरत एकदम बेहतरीन तरीके से बात कर रही है सर, और जैसा ही हमको फ़ोन आया हम लोग देखने के लिए गए सर उनके पास, देखने के लिए गए तो हमको बहुत अच्छा लगा वो औरत का बात करते हुए देखना, ये करना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे सप्लीमेंट काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं सर के पास गया, मेरे जहन में एक दिन सर आए, अरे यार ये बच्चे का भी ऐसे ही हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था और ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है, 20 लाख रुपये ये बच्चे ने खर्चा कर चुका आज तक, और वो 20 लाख से उसका पर डे का सर आपका 80 हज़ार कुछ समथिंग था पर डे था उसका, वो बच्चे का, और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दिया था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इनका भी, आज भी पूरे परफेक्ट नहीं हुए, इनका हाथ काम नहीं कर रहा है, बात करते नहीं आता था, अटकता था, लेकिन मैं बस शायद इसके सप्लाई नहीं हो रहा है ब्रेन में ब्लड,
और हमारी चीज़ें सप्लीमेंट ऐसी है कि सब चीज़ों को खोल देती, नसों को मजबूत बनाती है। तो मैंने सर को फिर उनका रिपोर्ट देखने के बाद, हमारे डाइटिशियन है शालिनी मैम, उनको उनका रिपोर्ट्स का पूछ जेरोक्स उनके पास भेजा, तो उन्होंने वो देख के मुझे सजेशन दिए, सर हाँ ये दे सकते हैं आप। मैंने मैडम को बोला ये दे सकता है, तो मैडम ने यस बोले, नहीं दे सकते आप जो दिए ना, खाली उसमें एक ऐड करो क्रील ऑयल। मैंने क्रील ऑयल नहीं किया था, तो अभी सर वो यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सर को भी 8 दिन में सर बता रहे हैं। और फ्रेशनेस सर, मैंने सर को 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, लेकिन सर का जब मैंने देखा था ना चेहरा सर, कुछ उनका फ्रेशनेस भी नहीं था सर, लेकिन आज वो खुद महसूस कर रहे हैं, मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, ये इसके लिए मैं इनको रिकमेंड किया सर। तो मुझे लग रहा है कि ये 6 महीने के बाद ये भी एकदम पूरी तरीके से अच्छे हो जाएंगे सर। बहुत प्रेशर सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपको विश्वास कहाँ से आया और आपने क्या देने से पहले उनकी रिपोर्ट देखी नहीं देखी, तो आपने बता दिया बिल्कुल कि हाँ आपने रिपोर्ट देखी है और वो आपने बताया उन्हें, तो एक्सपर्ट से जानकारी लेने के बाद बताया। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग फूड सप्लीमेंट खुद खाते हैं, उससे हमें अच्छा मिलता है तो हम लोगों को बताते हैं, लेकिन अगर कोई डिसीज़ किसी को है, कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ हुई है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें एक्सपर्ट से जानकारी लेके ही फिर उनको वो सजेस्ट करना है। हमें डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करना है, ना हम डॉक्टर हैं। आप ऑलरेडी डॉक्टर फील्ड से हैं या डॉक्टर हैं तो बात अलग है। थैंक यू दोस्तों। तो ये चीज़ जो है ज़रूरी थी। सर और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी नहीं सर, अभी जो बोल मीन्स मैं तो बहुत खुश हूँ वेस्टिज से, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ अभी वेस्टिज के बारे में, जितनी तारीफ कर उतनी कम है। मैंने जो इसके सप्लीमेंट्स लिए वो लाजवाब है सर, और मैं बोल नहीं सकता इस बारे में। मैंने हज़ारों दवाइयाँ खाई है लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन आज वेस्टिज के सप्लीमेंट से इतना फ़र्क पड़ा है कि क्या बोलूँ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू।